फ्रेंड्स आप देख रहे हैं टेरिस गार्डन स्प्रिंग। देखिए हमने ये कुछ फ्लावर लिए हैं, फर्चलका और गेंदे के फूल, और एक लिया है हमने जो आंवले का पेड़ और कुछ मिर्ची के पेड़ लिए हैं। फ्रेंड अब इन्हें हम रिपोर्ट करेंगे और बनाएंगे। हम इधर लगाएंगे मिर्ची के पेड़ क्यारी में, और ये जो फूल है इसके लिए हम हैंगिंग बास्केट बनाएंगे। ये पॉट लिया, ये रस्सी लिया, और इसमें हमने जो तार गरम करके छेद बनाए हैं, आपको दिखाते हैं कैसे बनाए हैं हमने ये छेद। ऐसे गरम तार करके और ऐसे हमने ये टांगने के लिए हैंगिंग बास्केट बनाई है। ये मेरे पॉट थे छोटे छोटे जो कि मैंने हैंगिंग बास्केट बनाई तार की सहायता से, और इसमें हम लगाएंगे जो नैनो क्लॉक और फर्चलका जो कहते हैं उसे। देखिए हम इनमें तारे लगाएंगे और फिर गांठ बांध के इसके नीचे और ऊपर इसे टांगने के लिए तैयार करेंगे। बहुत ही आसान है ये बनाना। ये तार हमारे पास पड़ी हुई थी जो कि हमने इसी काम के लिए खरीदी है, जैसे बेलों को चढ़ाने के लिए और गमलों को टांगने के लिए, और जो हमारा ग्रीन नेट है उसको भी बांधने के लिए इस तार का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, अब हम ये चारों तरफ से डाल देंगे और नीचे लगा देंगे गांठ, और फिर ये हमारा हैंगिंग बास्केट बन जाएगा और हम इसे हैंग कर पाएंगे। ठीक है, ये जो फर्चलका और नैनो क्लॉक जो होते हैं इनको बास्केट में जो टांग के लगाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम बना रहे हैं। हमारे पास बास्केट भी है लेकिन खूब सारे लगाएंगे, और इन पौधों की टहनियाँ भी हम रिपोर्ट करेंगे तोड़ तोड़ के। देखिए हमारी बास्केट तैयार हो गई है टांगने के लिए, और ये देखिए ऐसे हम इस बास्केट को बनाया है हमने। अब इसमें हम ये जो मिक्सचर है और पत्ते लाए हैं, हम नीचे पत्ते डालेंगे जिससे कि इसका ड्रेनेज अच्छे से हो सके और नीचे खाद भी बनती रहे और हल्का भी हो जाता है। फ्रेंड्स ये जो पॉट है, अब इसमें हम मिक्सचर भर देंगे जो हमने बनाया है, खाद और मिट्टी और कोकोपीट और बर्मी कंपोज और जो है खादें डालिए इसमें, और डालिए नीम खली। ठीक है, ये हमने पॉट भर लिए, अब लगाएंगे इसमें पौधे। पहले इसको एक गमले से इसको छेद कर लिया हमने और ये बिठा दिया। देखिए कितने अच्छे तरीके से इसकी जड़ जरा भी डिस्टर्ब नहीं करी हमने, और इसको लगा दिया। ऐसे ही हम सारे लगा देंगे, और कुछ टहनियाँ तोड़ के इसकी हम नए प्लांट भी बनाएंगे। ये बहुत अच्छे से लग जाते हैं और 15 दिन में ये पॉट भर जाएगा अच्छे से, और देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए छोटी छोटी टहनियाँ भी हमने लगा दी, और ये जो फ्लावर थे वो भी लगा दिए। पानी देके इसे 2-3 दिन ऐसे छाया में रखेंगे थोड़ा, और फिर हम इसे टांग देंगे। आप भी ऐसे लगाएं और